अब देखो रामबाबू द्विवेदी जी दया शंकर सिंह जी से मुलाकात करती हैं, बढ़िया मांग पत्र दिए हैं और तुरंत बकायदा मांग पत्र का स्वीकार कर लेते हैं दया शंकर सिंह जी। हम कह लो तो नहीं आपका बता दी कि बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर क्या है रामबाबू द्विवेदी जी, और क्या दिया भैया बस अड्डा बनी है महादेवा माँ लोदेश्वर। महादेवा माँ आने वाले लाखों शिव भक्तों की सुविधा के दृष्टिगत बस अड्डा निर्माण कराए जाने की मांग परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह जी से भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री रामबाबू द्विवेदी जी करी है। मांग पत्र में तुम देख सकते हो कि परिवहन मंत्री ने मुख्य सचिव परिवहन को जिलाधिकारी से बस स्टेशन के लिए जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। रामबाबू द्विवेदी जी बतावत हैं कि देखो भैया ऐसा है लोदेश्वर महादेवा माँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण की मंजूरी दे दी है। ऐसे बकदा कॉरिडोर बनने से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी तो रामनगर से लोदेश्वर महादेवा तक जाने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में बस स्टेशन बनने से श्रद्धालुओं को लोदेश्वर महादेवा तक आवागमन में बहुत बढ़िया सुविधा मिलेगी। क्या बात है भैया बस अड्डे बनने से हम कह लो तो एक आपका दिखा देगी। देखो रामबाबू द्विवेदी जी बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर क्या है, बढ़िया बस अड्डे बनी है महादेवा माँ। बाकी आपकी कार्यक्रम करो दूसरा खबर देख लो। 1,76 करोड़ रुपया मिला है। अब बाप रे बाप भैया बताओ जरा, एक नहीं दो नहीं करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हो, ना जाने भैया कहाँ खर्च हो रहे हैं, ना दिखाई देती है ना समस्या का समाधान होती है और बिजली खातिर आदमी ऐसा परेशान रहती है। बहुत बढ़िया मुद्दा उठाई ने माता प्रसाद पांडे जी। हम कह लो तो आपका बता दी कि देखो भैया ऐसा मानसून सत्र चल रहा है यूपी विधानसभा का, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष सपा विधायक माता प्रसाद पांडे जी बिजली के मुद्दे पर बढ़िया सरकार का ध्यान आकर्षित करी है। तनिक सुन लो भैया बहुत कायदे से बतावत रहे, करोड़ों रुपए अरबों रुपए खर्च हो रहे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली की समस्या के बारे में माननीय सदस्यों ने पूरी बात रख दी। मैं एक तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, गांव में जहाँ जर्जर तार हैं उसको बदलने के लिए विभिन्न जिलों में कंपनियां हैं उनको लंबी धनराशि दी गई है और वो तार बदलने का काम कर रहे हैं। अभी तक यह था कि जो मोटा तार लगा दिया जाएगा तो उससे थोड़ा सुविधा होगी, लेकिन आपका मोटा तार भी हमने खुद अपने आंख से देखा माननीय मंत्री जी, वो भी जल जा रहा है और जल के गिर जा रहा है। मेरा कहना है ये घटिया तार ला करके कंपनियां बड़ी धनराशि आपका अपहरण करना चाहती हैं। माननीय मंत्री जी, आप सिद्धार्थनगर गए थे, मैंने कोशिश की कि आपसे मैं मिल लूं और ये समस्या आपके सामने रख लूं। रोज जो मोटर लगाते हैं नई कंपनी वाले जो आए हैं हमारे अपने जिले में भी, उनको 1,76 करोड़ रुपया मिला है। 1,76 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से नए तार बदलकर नए खंभे लगाने का मिला है, लेकिन हम लोगों ने बड़ी कोशिश की कि आप कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, हम लोग एक सूची दे दीजिए। दिशा के बैठक में भी हमारे एमपी साहब ने निर्देश दिया, लेकिन आज तक नहीं पता चला वो कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे, और कुछ काम किए तो वो जल गया। मेरा आपसे आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी धनराशि जा रही है और उसका सही उपयोग होना चाहिए। ये बड़ी कंपनियां किसी तरह से ठेका पा गई होगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये आप इस पर विशेष ध्यान दें कि ये घटिया तार ना लगावें और सही ढंग से खंभे खड़ा करावें, इसकी आप जांच करा लीजिए। बहुत बड़ी रकम इसमें घोटाले के रूप में चली जा रही है, यही मेरा आपसे अनुरोध है। अब माता प्रसाद पांडे जी जो मुद्दा उठाए ना बहुत गंभीर मुद्दा, इस पर सरकार को तनिक ध्यान देना चाहिए। ना ढंग के खंभे लगाए जा रहे हैं, ना ढंग के तार लगाए जा रहे, सब पैसा बर्बाद हो रहा और यह भविष्य में बहुत बड़ा घोटाला हुई है। तो साहब तनिक पर ध्यान दो और समस्या का समाधान करो। माता प्रसाद पांडे जी बहुत निक मुद्दा उठाई, हम कल तो निक आपका सुना दी। बाकी पाप की कार्य कमेंट करो, वीडियो चलेगी दूसरे का डालो, चैनल का सब्सक्राइब करो, शंबर साजी को इसे पर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दो।